मामू के पास लेके जाए। मेरे कश्मीर देख ले आंख खोलकर, तेरे नाम पर ये आतंकी इंसानों का खून बहाएंगे। देश के फौजी तेरी मासूमियत को हर कीमत पर बचाएंगे। इस तस्वीर को देखकर अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आए तो आप मान लीजिए कि इंसानियत मर गई है आपके अंदर। ये सदी की शायद सबसे दुखदाई तस्वीर है। आप बताइए, एक बच्चा अपने दादा की लाश पर बैठकर रो रहा है। उसे ये तक पता नहीं कि उसके दादा मर चुके हैं। उसे ये भी नहीं पता चला कि उनका कसूर क्या था। उसे ना तो मिलिटेंट के बारे में पता है और ना ही फोर्स के बारे में। वो तो अपने दादा के साथ घूमने निकला था, लेकिन जो हुआ उसे अब ताउम्र वो भूल नहीं पाएगा। बुधवार सुबह आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। इस दौरान एक नागरिक की भी जान चली गई। मृतक के शव पर बैठे 3 साल के पोते की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। दरअसल सोपोर में बुधवार सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। यह हमला मार्केट एरिया में घात लगाकर किया गया। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को फायरिंग से जवाब दिया। इस दौरान फायरिंग में सीआरपीएफ 179 बटालियन का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। मृतक नागरिक 60 साल के बुजुर्ग थे। घटनास्थल से इनकी तस्वीर सामने आई। जमीन पर शव पड़ा हुआ है, कपड़े खून से सने और वही मृत शख्स का 3 साल का पोता भी मौजूद है। ये मासूम अपने दादा की लाश पर इस तरह बैठा हुआ है जैसे शायद कभी वो उनकी गोद में खेलता होगा। लेकिन दादा का शरीर गोलियों से छलनी था और उनके कपड़े खून से सने थे। वो अपने पोते को अब गोद में नहीं उठा सकते थे। ऐसे में वहां मौजूद पुलिस टीम के एक सदस्य ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर साइट से अलग किया। इससे पहले एक तस्वीर में ये बच्चा शव के पास ही मौजूद एक जवान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आतंकियों के खिलाफ पोजीशन लिए हुए ये जवान बच्चे को दूसरी तरफ जाने का इशारा करता दिखाई दे रहा है और बाद में वो वीडियो भी सामने आया जिसमें बच्चे को उसके घर सीआरपीएफ वाले जवान पहुंचा रहे। हम लेके जा रहे हैं। देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट मामू के पास लेके जा रहे हैं।